प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में स्थित पुनर्विकसित भारत व्यापार सर्वधन संगठन ITPO परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस जगह सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी की जाएगी। 123 एकड़ में फैला ITPO परिसर क्षेत्र प्रगति मैदान के नाम से चर्चित है, जो भारत का सबसे बड़ा बैठक, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां करने वाला स्थल है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी हवन पूजन के साथ उद्घाटन समारोह की शुरुआत की। इसके बाद जिन मजदूरों ने इसके निर्माण में सहयोग किया उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 6:30 बजे वापस ITPO लौटेंगे, जहां पर एक विशाल उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इस मौके पर G20 से संबंधित टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण करीब 7.5 मिनट पर शुरू होगा। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में ICC को एक आधुनिक परिसर के रूप में तैयार किया गया है। ऐसे ढके हुए या इंडोर परिसर जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस मामले में यह जगह दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में ITPO का नाम भी शुमार है। यह अपनी खूबसूरती, सुविधाओं और निर्माण के मामले में जर्मनी के हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्र प्रदर्शनी और कन्वेंशनल सेंटर जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 में 7,000 लोगों के बैठक की भव्य क्षमता मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सिडनी ओपेरा हाउस की करीब 5,500 लोगों की बैठक की क्षमता से भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्रदर्शनी हॉल के तौर पर 7 बेहद शानदार स्थल हैं। कंपनी और प्रदर्शकों को अपने विचार और नवाचार साझा करने के लिए एक मंच मिलता है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद या विचार से जुड़े दर्शकों या लोगों के साथ जुड़ने, व्यवसाय को बढ़ावा देने और नेटवर्किंग के अवसर मिलते हैं। इस परिसर में करीब 5,500 गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह मौजूद है। सिग्नल फ्री सड़कें यह सुनिश्चित करती हैं कि यहां आने वाले बगैर किसी परेशानी के इधर पहुंच सके। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। नई दिल्ली में होने जा रहा 18वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होगा। पूरे साल भर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के लोगों का G20 बैठक का आयोजन चल रहा है। दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम उसका समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।